हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास नाइन के लिए मैथ्स एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एन बुक चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन टू में है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस प्लस नाइन इक्वल टू जीरो एज एन इक्वेशन इस इक्वेशन को इन वन वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली और फिर टू वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इस सेम इक्वेशन को तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन में भी हमने किया था सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है तो आंसर में लिखेंगे पहले के लिए इसमें सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद चूंकि ये वन वेरिएबल्स में है इसलिए एक एक्सिस ही लेंगे कार्टिजन प्लेन या ग्राफ की जरूरत नहीं है नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स के वैल्यू को ठीक है तो टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स इक्वल टू जीरो माइनस नाइन ये प्लस है इस साइड आएगा इक्वल्स के माइनस हो जाएगा अपोजिट तो इससे मेरा क्या निकल गया टू एक्स इक्वल टू माइनस नाइन और इससे निकल गया x इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू ठीक है तो ये हो गया एक्स इक्वल टू टू फोर जा माइनस डाल देंगे एट वन बाई टू इक्वल टू हो गया माइनस फोर पॉइंट फाइव हाफ को वन बाई टू को पॉइंट फाइव भी लिखते हैं तो यही मेरा एक्स का वैल्यू हो गया ठीक है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया ज़ीरो डालते हैं ज़ीरो के राइट right साइड में प्लस होता है पॉजिटिव वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन ये हो गया माइनस वन जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स कोई भी डिस्टेंस लेंगे इक्वल डिस्टेंस लेंगे एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा दो नंबर के बीच में एक सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेंगे ठीक अब एक्स का वैल्यू है माइनस फोर पॉइंट फाइव तो माइनस ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ से माइनस फोर यहाँ आ गया और पॉइंट फाइव है तो इसका हाफ़ होगा फोर और फाइव के बीच में होगा तो ये डॉट हो गया तो इससे फिर यहाँ कर देंगे तो यही पॉइंट जो हो गया मेरा ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव यही इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया यही इसका आंसर हो गया अब चलते हैं पार्ट टू में पार्ट टू में क्या है क्वेश्चन तो वही है टू एक्स इक्वेशन प्लस नाइन इक्वल टू जीरो अब इसमें एक ही वेरिएबल्स है एक्स लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में इन टू वेरिएबल्स करने के लिए तो एक वेरिएबल को हम लेट करेंगे या क्रिएट कर देंगे लेकिन वैल्यू इसका इक्वेशन का चेंज नहीं होना चाहिए तो लिखेंगे लेट अदर वेरिएबल इक्वल टू वाई एक्स दिया हुआ वाई मान लेते हैं तो इसको हम लिख देंगे ये है टू एक्स को इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस जीरो प्लस नाइन इक्वल टू जीरो जीरो को किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस करने से या माइनस करने से कोई अंतर नहीं पड़ता उसके वैल्यू पर तो ये हो गया अब इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई वेरिएबल कर देंगे प्लस नाइन इजकल टू जीरो जीरो को वाई से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही हो जाएगा इसके वैल्यू में अल्टीमेटली क्या रह गया टू एक्स प्लस नाइन इजकल टू जीरो वही रह गया इक्वेशन कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन ये क्या हो गया मेरा ये हो गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये टू वेरिएबल्स में मेरा इक्वेशन फाइंड हो गया अब इसको एक्स और वाई है तो जैसा कि ग्राफ पर करते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और उसे बना देंगे ठीक है तो लिखेंगे इफ वाई एक्स दिया ही हुआ है इफ़ वाई इजकल टू वन देन इसमें इक्वेशन डाल देंगे वाई का वैल्यू डाल देंगे देन टू एक्स प्लस जीरो इन टू वन वाई के जगह पर डाल दिया प्लस नाइन इजकल टू ज़ीरो क्या हो गया ये हो गया टू ये तो जीरो ही हो गया टू एक्स प्लस नाइन इजकल टू जीरो ही रह गया तो इसलिए एक्स हो गया ये जाएगा इस साइड में तो ये हो गया माइनस और मल्टीप्लाई है एक्स के साथ तो ये डिवाइड हो गया एक्स माइनस नाइन वाई टू इजकल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव ही रह गया ठीक है इफ वाई इजकल टू टू देन टू एक्स प्लस जीरो इंटू टू कर देंगे वाई के जगह पर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो तो बात एक ही रह गया यहाँ भी तो ये जीरो हो गया टू एक्स प्लस नाइन ही रह गया तो एक्स इजकल टू माइनस नाइन बाई टू ही हो गया इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव ही रह गया तो यही वैल्यू जो मेरा ओरिजिनल था एक्स इजकल टू फोर पॉइंट फाइव वही रह गया एक्स इज टू माइनस फोर पॉइंट फाइव जो फर्स्ट इक्वेशन में निकाले थे वही वैल्यू रह गया इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया लेकिन इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्रिएट हो गया अब इसको हम ग्राफ पर कर लेंगे तो इसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं ये x डाल देते हैं ये y डाल देते हैं पहले भी इस तरह का सवाल बहुत किया है अब x तो हमेशा माइनस फोर पॉइंट फाइव ही है तो लिख देंगे माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव वाई हो गया वन और टू वन और टू अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं ये ड्रॉ कर लिया ये हो गया वाई एक्सिस वाई और वाई वन इसका नाम डाल देते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स और एक्स वन इसका नाम डाल देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट करता उसको है उसको ओरिजिन करते हैं जीरो कर लिया एक्स एक्सिस पर जीरो के राइट right साइड में पॉजिटिव होता है वन टू थ्री फोर इस तरह से डाल दिया इधर निगेटिव होता है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इधर आ गया माइनस फाइव आ गया इधर और इधर प्लस होता है वाई के जीरो से अप साइड में तो ये हो गया वन टू थ्री फोर और डाउनवर्ड में होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये मेरा कार्टिजन प्लेन तैयार हो गया अब इस पर हम इसको प्लॉटिंग कर देंगे तो ये है एक्स इजकल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस इस साइड में है जीरो के लेफ्ट साइड में ये फोर हुआ और ये पॉइंट फाइव यहाँ हो गया इसके बीच में और फाइव के बीच में तो ये पॉइंट हो गया अब इसमें क्या है वाई है वन तो वाई इसी के वन से पैरल ले, ले लेंगे एक्स पर तो ये हो गया ठीक है अब ये कितना हो गया ये पॉइंट ये पॉइंट हो गया माइनस फोर पॉइंट फाइव कॉमा वन ठीक है अब दूसरा है माइनस फोर पॉइंट फाइव एक्स पर तो माइनस फोर पॉइंट एक्स पर फाइव तो यही रहेगा लेकिन y है टू तो टू यहां हो गया तो इसी के पैरल ले, ले, ले लिया यहां ये पॉइंट हो गया माइनस फोर पॉइंट फाइव कॉमा टू ठीक है अब इसी को एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो गया ठीक है यही मेरा आंसर हो गया और इसको लिख देते हैं इसको लिख देंगे टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो ठीक है यही इसका आंसर हो गया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स को शेयर करें चैनल को सपोर्ट कर दें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें मैं उसका जवाब दूंगा थैंक्स